हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सब टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात होगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ग्लैंड्स के बारे में। तो ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये जो दो टॉपिक हैं ये लास्ट टॉपिक है। तो इसमें बात होगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ग्लैंड्स के बारे में। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में प्रीवियस लेक्चर में एक कुछ टर्म्स आए थे, माउथ प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वल्वा। तो उनका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बाद फीमेल के केस में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो ग्लैंड्स को भी स्टडी करना है। एसेंशियली ग्लैंड्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है वो ग्लैंड्स। तो बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल केस में एक डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन को ये डिप्रेशन होता है, और इस डिप्रेशन में टू टाइप की ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग होती है वो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, और एक जो ओपनिंग होती है वो वेजाइनल ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग। अब यहां समझने वाली बात है कि मेल के केस में जब पढ़ रहे थे, तो मेल के केस में पढ़ा था हमने कि मेल के केस में ये जो दोनों ओपनिंग होती है वो कॉमन ओपनिंग होती है। जो यूरेथ्रा ओपन हो रहा था, यूरेथ्रा में वहां से डिफरेंसी आकर के ज्वाइन कर रहा था, लेकिन यहां पर देखें फीमेल के केस में जो यूरेथ्रल ओपनिंग रहती है वो अलग और वेजाइनल ओपनिंग अलग। तो ये स्ट्रक्चर था, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक और कवरिंग रहती है, कवरिंग को कहते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा ये अपर रीजन में आकर के एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, और इस स्ट्रक्चर के नीचे एक इरेक्टाइल टिश्यू प्लेट होता है, एक इरेक्टाइल टिश्यू प्लेट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको प्रीक्यूस कहते हैं, प्रीक्यूस। और ये जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इस इरेक्टाइल टिश्यू को क्लिटोरिस कहते हैं, क्लिटोरिस। ये जो क्लिटोरिस, इसको ये जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेनिस का होमोलॉगस होता है। क्लिटोरिस मेल के, मेल का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस था, उस पेनिस का होमोलॉगस होता है। होमोलॉगस का मतलब क्या है कि वो था बोथ आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज। तो दोनों में जो टिश्यूज होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, तो ओरिजिन सेम है। तो ये इसका एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर है पेनिस का। इस लेबिया माइनोरा के बाद एक और बिगर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर को लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा,
और ये जो लेबिया मेजोरा है ये ह्यूमन मेल का जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम स्क्रोटम का ये होमोलोगस होता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले, क्लिटोरिस होता क्या है कि ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये पेनिस का होमोलोगस होता है, और लेबिया मेजोरा ये स्क्रोटम का होमोलोगस होता है। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे साइड में दो ग्लैंड्स मिलती हैं, दो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड को कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स। और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं वो ह्यूमन मेल में जो काउकस ग्लैंड्स हैं, काउकस ग्लैंड्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स इनकी ये होमोलोगस होती हैं। तो ये पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती है, ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस लाइक सब्सटेंस का सेक्रेशन कराती हैं। तो ये एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जो पार्ट्स थे, ये जो डिक्रेशन होता है इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, तो ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो एक डिक्रेशन रहता है, एक डिक्रेशन प्रेजेंट होता है बॉडी में लोअर पेल्विक रीजन में, तो उस डिक्रेशन को वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के जस्ट ऊपर एक कवरिंग रहती है, उस कवरिंग को लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अपर रीजन को प्रीक्यूस कहते हैं। ये प्रीक्यूस एक इरेक्टाइल टिश्यू को कवर करता है, उस इरेक्टाइल टिश्यू को क्लिटोरिस कहते हैं। ये क्लिटोरिस होता है वो पेनिस का होमोलोगस होता है। लेबिया मेजोरा के बाद एक और कवरिंग होती है, फोल्ड ऑफ स्किन होती है, उस फोल्ड ऑफ स्किन को लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा मेल के स्क्रोटम का होमोलोगस होता है, और इस वेस्टिब्यूल के दोनों साइड पे पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं। ये पेयर ऑफ ग्लैंड्स को बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है वो ह्यूमन मेल की काउकस ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की होमोलोगस होती है। अब एक और जो इसमें हमारा टॉपिक था ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स में एक ग्लैंड्स होती है बार्थोलिन ग्लैंड, दूसरी जो ग्लैंड होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड वो हमारी मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड्स को भी डिटेल स्टडी करना है। मैमरी ग्लैंड्स, ये जितने भी मैमल्स होते हैं उन मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और बेसिकली बात जो मैमल्स का नेम आता है वो मैमरी ग्लैंड्स के प्रेजेंस के बेस पे ही आता है। और मैमरी ग्लैंड्स क्या होती है कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो एक न्यू एंगवन का जो बर्थ होती है तो उस बर्थ के बाद जो उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है मेमरी ग्लैंड्स, जो मदर बॉडी में रहती हैं, ये मिल्क का सेक्रेशन करती हैं, और जो मिल्क है वो यंग वन जो है न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रह जाता है। तो फिर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है कि एक्चुअली ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो एक ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड का एक स्ट्रक्चरल व्यू है, स्ट्रक्चरल व्यू में देखें
ये एक सेक्शनल व्यू है। अब ये जो मैमरी ग्लैंड्स होती है एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन होती है स्वेट ग्लैंड का। जो स्वेट ग्लैंड्स होती है स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स का ये मॉडिफिकेशन होती है। और बेसिकली क्या होते हैं इसमें फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उसमें फैटी टिश्यूज होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, और डिपॉजिट होने लगते हैं तो इनकी साइज होती है थोड़ी सी इनलार्ज कर जाती है। ये जो ग्लैंड्स होती है मेमरी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में होती है, लेकिन ये फीमेल के केस में फंक्शनल होती है क्योंकि फीमेल के बॉडी से दो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो सेक्रेशन होता है उनका इम्पैक्ट होता है कि ये जो होती है फीमेल के केस में फंक्शनिंग होती है और मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है या मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये कैपेबल होती है, मेल में ये कैपेबल नहीं रहती। तो रीजन वही है कि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल हार्मोन्स वो इनके इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब ये इलाज करती होता है कि स्वेट ग्लैंड्स होती है फैटी टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं, जब इलाज करती है तो ये जो इंटीरियर पोर्शन जिसको कहते हैं निप्पल, अब ये जो सेल्स होती हैं ये जो रीजन होता है एक्चुअली ये ग्लैंडुलर टिश्यूज होती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज होती हैं। अब इस ग्लैंडुलर टिश्यूज में कई कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं। ये लोब्यूल्स है और नॉर्मली इनका जो नंबर होता है एक सिंगल मेमोरी ग्लैंड में इनका नंबर होता है वो 15 to 25 या 30 के आसपास होता है। तो ये जो लोब्यूल्स होते हैं ऐसे 15 to 25 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लोब्यूल्स होते हैं ग्लैंड इसमें फिर कई स्मॉल ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको एल्यूलाई कह रहे हैं। एल्यूलाई और एल्यूलाई जो होती हैं कई ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स से ये अपने सेक्रेशन को पोर्ट करती हैं आगे की तरफ या सेक्रेट करती हैं। तो ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको लैक्टिफेरस लैक्टिफेरस ट्यूबल कहते हैं। अब ये जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं पूरे पूरे लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स ये आकर के एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं, इस कॉमन ओपनिंग को लैक्टिफेरस तो ये लैक्टिफेरस डक्ट। अब ये जितने भी ये लोब्यूल्स थे ये जितने भी लोब्यूल्स होते हैं ये लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ इस रीजन में यहां पे एक थोड़ा सा डार्क स्पॉट होता है, उस डार्क स्पॉट को एरियोला कहते हैं, एरियोला। तो इस एरियोला रीजन में आकर के ये ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है इसको एम्पुला कहते हैं और ये जो एम्पुला होता है वो डीपर लेजर में ओपन होता है। और यहां से जब बेबी जो न्यू बॉर्न बेबी इसको सेल करता है तो इनके जो सेक्रेशंस होते हैं इन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से ये सिक्रेट होकर के निपल आते हैं और निपल से फिर बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। एक्चुअली ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये इनमें ट्यूबुलर भी होती है और इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर और इनमें ट्यूबुल भी होती है। तो ये ट्यूबुलर भी होती है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। और बेसिकली स्ट्रक्चर इनका यही होता है कि इसमें ये जो ग्लैंड्स होती है मेमोरी ग्लैंड्स इसमें लोब्यूल्स होते हैं 15 to 25 30। अब ये जो लोब्यूल्स होते हैं और बीच में
यहाँ पे जो सेल्स होती है, यहाँ का जो रीजन होता है, यहाँ पे फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो फैटी टिश्यूज का डिपोजिशन होता है, और इस फैटी टिश्यूज के रीजन में यहाँ पे कई कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उस कंपार्टमेंट को हम लोब्यूल्स कहते हैं। अब लोब्यूल्स के अंदर फिर छोटे छोटे सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एल्विओलाई कह रहे हैं। अब जो एल्विओलाइज होती है अपने सेक्रेशन को एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये पोर करती है एक बिगर ओपनिंग में, तो इनके जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं, इस कॉमन ओपनिंग को हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट आकर के एंटीरियर रीजन में ये जो डार्क पोर्शन होता है ब्रेस्ट के बाद मेमरी ग्लैंड्स को नॉर्मली हम ब्रेस्ट कहते हैं, तो ये आगे से ओपन होती है इस डार्क रीजन में, डार्क रीजन को एरियोला कहते हैं। एरियोला भी आकर के ये एक सोलेन कॉमन एक सोलेन स्ट्रक्चर बनाती है जिसको एम्पुली कहते हैं, और ये जो एम्पुला है बॉडी के बाहर ओपन होता है जिससे बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक पे हम गैमेटोजेनेसिस को स्टडी करेंगे।